ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି ଜିନିଷର ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, 3G, 4G, 5G ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ଜେନେରେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ୍। ତ ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ନା, ବହୁତ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ତ ବହୁତ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ହଉ ଅନଲାଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହଉ, କି ଆମର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ସଫ୍ଟୱେର୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ହଉ, କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ହଉ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ହଉ, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ସବୁ କ'ଣ ନା, ଲୋ ଲାଟେନ୍ସିରେ, ଲାଟେନ୍ସି ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ହାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ଏଇଟା ଯୋଗାଇ ପାରିବ, ଡାଟା ଯୋଗାଇ ପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଡାଟା ଆମର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ। ରିସିଭ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଡର ପାଖରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରିସିଭର ପାଖରୁ, ରିସିଭର ଟୁ ସେଣ୍ଡର ପାଖରୁ ଡାଟା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଆମ ଯେଉଁ କାମଟା ଲାଗୁଥିଲା 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା, ସେ କାମଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କିଛି କିଛି ମିନିଟ୍ରେ ଆମର ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍, ମାନ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼୍ ହେଇପାରିବ। ଆଡ଼ଭାନ୍ଟେଜ୍ ତ ଅନେକ ରହିଛି, ଆମେ ତ IT ଫିଲ୍ଡର ପିଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ IT ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବୁ, ତ ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ ଫାଇଦା ଦେବ, ଏହା ସହିତ ଉପଯୋଗ ହେଇପାରିବ। कैसा होगा देखिए, 5G का अपना लॉन्च होना बहुत अच्छी बात है अपनी उड़ीसा में, और इसका ना एडवांटेज हम स्टूडेंट्स लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ना हम लोग का सारा करिकुलम, हम लोग जो भी स्टडी करते हैं, जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, सारा का सारा ऑनलाइन ही करते हैं। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि नेट स्टफिंग को लेकर बड़े इश्यूज़ आते हैं, तो इसलिए हम लोग को जियो फाइबर लगाने, मतलब फाइबर्स लगाने पड़ते हैं, पर हम लोग स्टूडेंट्स लोग वो फाइबर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम लोग का 5G नेटवर्क हमारे उड़ीसा में जो लॉन्च हुआ है, तो हम लोग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो बड़ी बड़ी फाइल्स डाउनलोड करते समय जो हम लोग को ज़्यादा दिक्कतें आती थी, प्रॉब्लम आती थी, अब वो नहीं आएंगी, वो इजीली हम लोग मतलब डाउनलोड कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। और अभी फिर से वायरेंट, एक नया वायरेंट कोविड का आ ही गया है, और उसको लेके बड़ी टेंशन चल रही है, तो सारा कुरिकुलम ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। और 5G होगा तो हम लोग यूट्यूब से अच्छे मतलब कोर्स इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर पाएंगे। सरकार अगर उसको हमारे स्टूडेंट्स के लिए अगर एक नॉमिनल प्राइस में प्रोवाइड करेगी, तो हमारे लिए बहुत अच्छा एडवांटेजेस है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा एडवांटेजेस है। और अगर स्टूडेंट्स अगर ये अपना जैसे कि रेलवे स्टेशन फ्री वाईफाई हो, या फिर कॉलेज में कुछ फ्री वाईफाई की सुविधा जैसी हो, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आई बिलीव कि हम लोगों के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल और बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम लोग ने कोरोना वायरस में काफ़ी सारे स्ट्रगल्स फेस किए हैं। जब भी हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होते थे, तो लाइक नेट इशूज़ होते थे, बट अब वो नहीं होगा। और जैसे कि आप सबको पता है कि लाइक कोविड आ रहा है, सो लाइक आई थिंक कि बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। और खाली उतना ही नहीं, जो जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनके लिए भी 5G काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, और भी बहुत सारे उसके मतलब एडवांटेजेस हैं उसका। एक्चुअली देखिए, कोई भी चीज़ का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होता है, तो इसके भी दो ही पहलू हैं मैं बोलूँगी, क्योंकि एडवांटेजेस इस हिसाब से होंगे कि हम लोग मतलब काफ़ी कुछ जानने को पाते हैं थ्रू इंटरनेट, थ्रू मीडिया, जैसे कि न्यूज़ के माध्यम से काफ़ी कुछ डे टू डे अपडेट्स भी गेट टू नो। और उसके साथ साथ डिसएडवांटेजेस मैं ये बोलूँगी, काफ़ी बच्चे नहीं समझ के टाइम वेस्ट भी करते हैं, तो वो थोड़ा डिसएडवांटेजेस में भी होगा।